निवेदिता। 30 मई से शुरू हुआ आईसीसी विश्व कप 2019 जितना रोमांचक रहा है उतना रोमांचक वर्ल्ड कप का मैच शायद ही कभी रहा हो। इस टूर्नामेंट में खेल रही हर टीम ने जितने उतार चढ़ाव देखे वो शायद ही कभी वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में देखने को मिले हो। यहाँ तक कि टूर्नामेंट का आखिरी मैच जो कि इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड लॉर्ड्स में खेला जा रहा था उसमें भी ऐसे कई मौके आए जब गेम दूसरी टीम के हाथ में जाता हुआ नजर आया। ट्रॉफी भले इंग्लैंड ने अपने नाम कर ली हो लेकिन इंग्लैंड के एक प्लेयर ने जीतने के बाद भी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड से माफी मांगी है जो कि हैरान करने वाला है। लेकिन इसके पीछे एक अहम वजह है जिसके लिए इंग्लैंड टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन और पूरी टीम से माफी मांगी है। क्यों हम आपको बताते हैं। दरअसल मैच के आखिरी ओवर में जब इंग्लैंड टीम को जीतने के लिए 15 रनों की दरकार थी तो उसी ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर बेन स्टोक्स ने उस ओवर की 3 गेंदों पर 9 रन का स्कोर पहुंचा दिया था। अब बारी थी चौथी गेंद जिसे स्टोक्स ने मिड विकेट बाउंड्री पर खेला और 2 रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन लेने के बाद जैसे ही स्टोक्स अपना दूसरा रन पूरा करने के लिए क्रीज की तरफ दौड़ रहे थे इतने में ही गपचिल का थ्रो स्टोक्स के बल्ले से टकरा कर बाउंड्री लाइन के पार चला गया और इंग्लैंड टीम को आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर भी पूरे 6 रन मिल गए। यही वो गेंद थी जिसके लिए बेन स्टोक्स लगातार माफी मांग रहे हैं। लेकिन नियम के मुताबिक टीम इंग्लैंड को बिल्कुल ठीक रन मिले हैं। नियम के अनुसार अगर गेंद ओवर थ्रो पर बाउंड्री पार चली जाए चाहे फिर वो गैर इरादतन बल्ले से ही क्यों न गई हो तो ओवर थ्रो से पहले लिए गए रनों में बाउंड्री के 4 रनों को भी जोड़ दिया जाता है और ऐसा ही हुआ भी। टीम इंग्लैंड ने चौथी गेंद पर 2 रन लिए और फिर थ्रो बॉल जो स्टोक्स के बल्ले से लगकर बाउंड्री के पार चली गई उसे मिलाकर टीम को उस गेंद पर पूरे 6 रन मिल गए। फिर इंग्लैंड टीम को आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 3 रन चाहिए थे। 3 रन तो नहीं, हाँ इंग्लैंड टीम 2 रन जरूर बना पाई और मैच को न्यूजीलैंड के साथ टाई कर लिया। फिर जो सुपर ओवर खेला गया उसमें भी दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए। लेकिन जिस टीम का प्रदर्शन बेहतर रहता है यानी कि जो टीम चौके छक्के ज्यादा लगाती है उसी टीम को नियमों के मुताबिक विजेता माना जाता है और इसी बिना पर टीम इंग्लैंड को आईसीसी विश्व कप 2019 का विजेता घोषित कर दिया गया। मैच के बाद न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन काफी दुखी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि गेंद स्टोक्स के बल्ले से लगी, ऐसे समय पर ये सब हुआ कि सब बदल गया। मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि फिर कभी इतने अहम लम्हे पर ये ना हो। वहीं इस मुद्दे को लेकर बेन स्टोक्स का भी बयान सामने आया है। कहते हैं कि आखिरी ओवर में गेंद मेरे बल्ले से लगकर सीमा रेखा के पार गई, आपने सोचा नहीं होगा। मैंने केन से उस बारे में अनगिनत बार माफी मांगी है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बता दें कि न्यूजीलैंड टीम को हराकर मेजबान टीम इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2019 अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड को जवाब देते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 241 रन बना दिए जिससे मैच टाई हो गया। उसके बाद जब मैच सुपर ओवर में गया तो यहां भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए। इसके बाद ज्यादा बाउंड्री के दम पर इंग्लैंड ने ये खिताब जीत लिया। इंग्लैंड ने कुल 24 बाउंड्रीज लगाई थी, वहीं न्यूजीलैंड ने 16 बाउंड्रीज लगाई थी जिसमें 2 छक्के और 14 चौके शामिल थे। पाकिस्तान वालों के ये खुद ही तो बाहर हो गए, ये तो दुआ मांगते हैं हाय अल्लाह ये भी बाहर हो जाए। मेरी तो ये राय है कि मैच से मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म है क्योंकि इंडिया बाहर हो चुकी है। अब मैच में कुछ राय नहीं बाकी, देखने में को क्या फायदा। जो कोच है ठीक है और विराट कोहली, मैं कहना चाहता विराट कोहली को इस्तीफा दे देना चाहिए कैप्टन सीट से। मैं इसको धोनी को जिम्मेदार मानता हूँ उस मैच की हार के लिए, सीधे शब्दों में ये है बस। हमने सुहेता सिंह, मैं वो हार की वजह उनको भी मानता हूँ, बहुत बड़ी वजह है। मोहम्मद शमी था, वो बहुत फॉर्म में था, अभी कमाल कर दिया पिछले दिनों, लेकिन शायद हो सकता है कि भेदभाव भी हो। अगर हम धोनी को संन्यास दिलवा देंगे, उसने हमें 2-2 वर्ल्ड कप दिलाए हैं, तो ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा। तो धोनी और जडेजा ने अगर नहीं खेला होता तो अब पता है कि कितने रन से या कितने गैप से हारते थे। वो हिट हो गया, अगर मान लीजिए विकेट पे नहीं लगती बॉल तो धोनी अंदर ही होता और मेरे ख्याल से धोनी मैच निकाल लेता कल। 5 ओवर पहले से ही थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, धोनी की भी कुछ कमी रही है सर, कि धोनी को 5 ओवर थोड़ा पहले से थोड़ा तेज खेलना चाहिए था, धोनी की कुछ कमी रही है। लेकिन 4th नंबर की जो बैटिंग है उसकी वजह से मैच हारे थे, कोई जेनेस कार्तिक फिट नहीं बैठते हैं 4 नंबर पे। मैं
बहुत ही गुस्से में हूँ, आक्रोशित हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हर दौर से गुजरने को तैयार हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि धोनी को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज 130 करोड़ लोग का सर झुक गया जनाब। देखिए, निराशा तो मुझको बहुत हुई, लेकिन मुझे ये लगता है कि धोनी ने गेंदें खेली हैं अदा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्ट्राइक तो रोटेट करनी चाहिए थी। आप लगातार जब 4 ओवर में 42 रन चाहिए, ट्रेंट बोल्ट का ओवर था, आप अगर आप नहीं बल्ले पे गेंद आ रही थी, आप सिंगल लेके उसको देते, वो मार देता, लेकिन आपने 4 गेंदें पी ली, 5वीं गेंद पर सिंगल लेके स्ट्राइक उसको दी। अब जब 19 गेंदों पर 42 रन चाहिए तब आपने उसको स्ट्राइक दी, अब वो भी प्रेशर में आ गया, जडेजा गलत आउट खेल गया, वो आउट हो गया। और जब सबसे ज़्यादा जरूरत थी आपकी टीम को, तब भी आप गलत टाइम पर, जब क्या जरूरत थी हमें 2 रन लेने की, अगर आप अंत तक की टिके रहते ना वहाँ पे, तब भी इंडिया जीत जाती, लेकिन वो भी गैर जिम्मेदार। मैं इसको धोनी को जिम्मेदार मानता हूँ उस मैच की हार के लिए, सीधे शब्दों में ये है बस फाइनल कंक्लूजन। धोनी ये तो बहुत जनता को खुशी थी कि आगे हम ही जीत रहे, भारत ही जीत रहा, भारत रहा, तो इतना उम्मीद ही नहीं था। जिस हिसाब से हमें तो सोचते हैं ये पड़ोसी की नज़र लग गई है पाकिस्तान वालों की, ये खुद ही तो बाहर हो गए, ये तो दुआ मांगते हैं हाय अल्लाह ये भी बाहर हो जाए, हम तो इनके पाकिस्तान को ही बोल रहे हैं, ये इनको बददुआ लग गई इनकी। भैया अगर धोनी जी अगर निकल जाएंगे तो रह कौन जाएगा टीम के अंदर? कोहली जी को मानोगे? ये कोहली को मानोगे? अगर कोहली को भेजना होता तो 4 आउट होने के बाद में धोनी को भेजना चाहिए था, जैसे कि हमारे नेताजी ने बोला था अभी कि इसमें धोनी पे सारा इन्होंने जितना भी था पूरा ठेकड़ा धोनी पे फोड़ दिया। अगर धोनी तेज खेलता तो ये मैच कवियों का ख़त्म हो जाता, यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं एक हमारे पत्रकार बंधन हैं समझे, स्वेता सिंह, मैं वो हार की वजह उनको भी मानता हूँ, बहुत बड़ी वजह है और वो जिम्मेदार है। स्वेता सिंह जो है आज तक चैनल की जो है एंकर हैं, उन्होंने बोला था कि अगर मोदी जी इस मैच को जिताएंगे और वर्ल्ड कप जो है मोदी जी जितवा कर लेकर आएंगे। देखिए, मैनेजमेंट की वजह है, मेन बात है मैनेजमेंट। अगर कोई जीत रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ सर सेल्फी लेते हैं और सब कहते हैं हम भी हैं, जैसे मोदी, विराट कोहली। और जब कोई कारण होता है तो सब पतली गली से निकल जाते हैं, शो बंद कर देते हैं। मेन कारण को जवाब पूछना चाहिए, जैसे जीतते हो वैसे हारे हो तो उसका जवाब दो, इस पर डिस्कस होना चाहिए। विराट कोहली को जो उनका और भी है, महेंद्र सिंह धोनी को है, पहले तो जन्मदिन मनाते हैं और उसके बाद और लोगों को नहीं देखते हैं, आम आदमी को भी देखना चाहिए, हमें जीत देखना चाहिए, अपने परिवार भी देखते हैं। जब पसीना बहाते हैं तो देश उनके साथ खड़ा होता है, दुआएं खड़ी होती है, और जब हार होती है पता नहीं कौन सी गली से निकलते हैं। देखिए, टीम मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, कुछ ना कुछ गलत फहमियां थी, क्योंकि मोहम्मद शमी को नहीं लेके आया गया। आपने देखा कि क्या कहते हैं, 4 मैचों में 14 विकेट लेके गए मोहम्मद शमी, फिर भी उन्हें नहीं खिलाया गया। अगर शायद मेरा मानना यह है कि और कम स्कोर पर रोका जा सकता था न्यूजीलैंड को। और दूसरी बात, दूसरी ओर लोग कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी तेज हिट क्यों नहीं लगाए, बड़े हिट्स क्यों नहीं लगाए, तो बड़े हिट्स अगर वो लगाते तो वो इस बात को जानते हैं कि मेरे पीछे और कोई बैट्समैन नहीं है जो बल्लेबाजी को कर सके। रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी दोनों को ही पता था कि रविंद्र जडेजा तो एक बार को बॉलर हैं, अगर टीम इंडिया हार जाती है और वो उससे पहले जडेजा आउट हो जाते, 76 रन 78 रन जो भी उन्होंने बनाए, अगर वो नहीं बनाते एक रन भी तब भी उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो बॉलर हैं। पर महेंद्र सिंह धोनी एज अ बैट्समैन और वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर्स में उनका नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का, तो वो धीरे इसलिए खेल लेते क्योंकि उन्हें पता है कि आपने IPL में भी देखा कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से उन्होंने कैसे वो मैच फिनिश करते हैं। मेन वजह है जो नंबर 4 पे जो बैट्समैन खेलता है उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डिस्कशन हुआ था कि नंबर 4 पे अंबाइतर नायडू जो है, नायडू जो मुंबई का था, ही डिजर्व फॉर द नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 पे अगर मान लीजिए अगर आपके पहले 3 बैट्समैन ठीक से काम नहीं करते या निकल जाते किसी तरह से, तो आपका नंबर 4 सबसे वीक रहे। तो आप पूरे सीरीज में आप देख लो नंबर 4 वीक रहा है, तो आपका जो मिडल ऑर्डर था, तो मिडल ऑर्डर की वजह थी मेन इनका जो कोच है कभी, क्योंकि ये लोग नए बंदे लेके आ रहे हैं, ठीक है अब कुछ बंदे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेटर ऑन उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन अंबाई तो राइडू को उनको जिस हिसाब से उनके साथ उनको बात करी है या जिस हिसाब से उनको साथ जो उन्होंने सलूक किया, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि अगर नंबर 4 पे अगर सही पोजीशन मिल जाती तो ये 100% मैच जीते होते। और आप पूरी सीरीज में देख लो मिडल ऑर्डर में कोई रन नहीं बना रहा, मिडल ऑर्डर में 32-30 इस तरह से चल रहा है। तो सबसे बड़ा इशू है कोच रवि शास्त्री और BCCI, जिन्होंने ठीक ढंग से जो है ये डिसाइड नहीं कर पाए कि नंबर 4 पे किसको खिलाना चाहिए। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा, कल मैं सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ पढ़ा था, धोनी के घर का सुरक्षा बढ़ाया गया है, विराट कोहली के घर का सुरक्षा बढ़ाया गया है, ये क्या चक्कर है? अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट ख़त्म हो गया और दोबारा खेल होगा ही नहीं, वर्ल्ड कप होगा नहीं,
इतना सारा योगदान दिया है धोनी, उसको पिछला नहीं देखेंगे, इतने सारे योगदान को नहीं देखेंगे। अब एक मैच हार गया तो उसके घर का सुरक्षा बढ़ाया गया, सोशल मीडिया में इतना गालियां दिया जा रहा है, तो ये क्या है? ये हमारे देश के लोगों को मतलब सोचना चाहिए भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब वो कोई खेल जीत के आता है, कोई मैच जीत के आता है, तो उसको सर आँखों पर बैठा लेते हैं। सैकड़ों खेल जिताया है वो अपने बलबूते पर, और विराट कोहली भी अभी तो एक महीना हुआ नहीं, वर्ल्ड कप से पहले एक इतना भयंकर जीत दिलाया था, लेकिन वो नहीं देखेगा। अब एक खेल किसी कारण हार गया तो गालियां पड़ेगा उसको, उसके घर का ये सुरक्षा बढ़ाया जाएगा, उनके जान को भी खतरा होगा। जी नहीं, धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए, दिन सबके बुरे होते हैं। कल इंडिया का था और धोनी का भी बैड लक ही था, क्योंकि आज तक धोनी ने मैच ही जिताया है, इंडिया को मैच ही जिताया है, और दिन किसी का भी खराब जा सकता है। एक अगर मिस हो जाती कल ओवर, वो डायरेक्ट हिट ना होती, तो शायद हम आज मैच जीते होते और हम फाइनल में होते। तो एक इतने छोटे से इंसिडेंट से अगर हम धोनी को संन्यास दिलवा देंगे, उसने हमें दो दो वर्ल्ड कप दिलाए हैं, तो ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगी उसके टैलेंट के साथ। शमी को, हाँ जी मैं मानता हूँ, चाहल की जगह शमी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन वहाँ की ओवरकास्ट थी, तो वहाँ पे बॉल स्विंग करती तो शमी शायद उनको 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देता न्यूजीलैंड को।